तो हम उस एरिया तक पहुंच गए, तो अभी हम पूरे तरह फंस गए इधर। कितनी साथ लाई ये। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी बढ़िया है। और आप देख सकते हैं मैं ऐसे इसलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि आज फाइनली बारिश बर्फ पड़ने लग गई है हमारे यहाँ रोडू में। तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इनको कुछ स्कॉर्पियो की टेस्टिंग वगैरह करनी थी बर्फ में। तो और मैंने कहा मैं भी जाऊँगी क्योंकि मुझे बर्फ में जाने का शौक है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा उस तरफ को चले जहाँ पे बर्फ हो। सो लेट्स सी, हमें लगता है हम चांचल की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा बर्फ है। वैसे हमारे बगीचे वाली साइड भी है बट वहाँ कम है कंपैरेटिवली, वहाँ पे थोड़ी चांचल में ज़्यादा है। चांचल में 1.5 फीट तो है और हमारे एक ही है वहाँ पे शायद, जो भी। तो फिर देखते हैं, मतलब अभी फिलहाल आप लोगों को लेके चलते हैं अपने साथ। तो चलते हैं फिलहाल, आप लोगों को भी ले चलते हैं अपने साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आओ इधर। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। आपको थोड़ी थोड़ी बारिश की आवाज अगर आ रही होगी तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ शुरू हो चुकी है बारिश। और हमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि चांचल में इस टाइम पर भारी बर्फबारी हो रही होगी। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको भी अपने साथ साथ। आप देख सकते हैं 11:30 हुए हैं और अभी हम रोडू से ही जा रहे हैं। यहाँ पे तो बारिश हो रही है लेकिन आप आगे को देख सकते हैं, मुझे जितना लग रहा है कि ऊपर बर्फबारी डेफिनेटली हो रही होगी। तो देखते हैं कैसा रहता है। एक्चुअली हम लोगों ने स्कॉर्पियो N जो है ना वो इन्होंने टेस्ट करनी थी बेसिकली कि कैसा रिस्पॉन्स देती है बर्फ में। तो अब देखते हैं क्योंकि जिप्सी है ना, जिप्सी सुप्रीमेसी। आपको दिखाऊं, आपको थोड़ी बहुत बर्फ आती हुई भी नजर आ रही होगी, छोटे छोटे से साए स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं और ऊपर को बर्फ हल्की हल्की है भी पड़ी हुई लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है अभी। जहाँ ज्यादा होगी वहां मैं आपको दिखाऊंगी। छत भरा हुआ पूरा बर्फ से गुजर रहे हैं अभी बाहर। यहाँ पे है बहुत ज्यादा बर्फ और ये अभी सोच रहे की टायर की हवा थोड़ी सी कम कर दूं। आप देख सकते हैं कितनी बर्फ है, ये देखो यहाँ, मतलब मेरी टांग इतनी अंदर जा रही है, इधर तक जितने मेरे शूज है ना इतनी हाइट, इतने तक ऊपर अंदर जा रही है। हम आगे जा रहे थे लेकिन आगे आ गई मशीन जो रोड खोलने के काम कर रही है, तो गाड़ी भी आ गई है वापस, ये ले जा रहे हैं इसको रिवर्स। तो मैं बैठूंगी अंदर क्योंकि मैं ठंड से कांप रही हूँ इस टाइम। सुनो यहाँ यहाँ नहीं लग जाएगी, यहाँ लगाओ साइड में। बर्फ होने वाली है, 1 फीट तो हो गई है यहाँ पे भी अब। ये और फिर से भाई मेरे को नहीं लगता ये गाड़ी पहुंच जाएगी, ये यहाँ ऊपर तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हैं ना कितनी जोरों से बर्फ लग रही है। अभी हम पहुंच रहे हैं शिलादेश। Oh my God, तगड़े तरीके से लग रही है बर्फ है ना। विलेज लड़ोट, भाई साहब सब कुछ वाइट हो चुका है, वाइट। तो गाइस अब हम लड़ोट के ऊपर जैसे पहुंचे हैं और यहाँ बहुत सही बर्फ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और मुझे आ रहा है बहुत मजा यहाँ देखो ऐसे ऐसे करने में। एक्चुअली हम बस यहाँ से ऊपर ऊपर जा ही रहे अभी, थोड़ा भीग गई हूँ मैं पूरी।
एक्चुअली मैं इनकी वीडियो शूट करने के लिए उतरी हुई हूँ, तो वीडियो शूट करूंगी अभी। अंदर बैठती हूँ थोड़ा पांव झाड़ झूड़ के। ओहो, बर्फ कितनी ली। ये देखो कहाँ जा रही है मेरे मेरे ब्लॉग के लिए शूट करने। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो पूरी तकड़ी तरीके से बना। अगर हुई मैं बीमार तब पड़ेंगे मेरे को घसे। सकते हैं यहाँ पर कितनी है बर्फ, और अभी भी चांशल 16 किलोमीटर है अभी। ऐसा लग रहा है ये जंगल ही जंगल, आसमान तक नजर ना है कुछ इधर उधर। बर्फ लगनी भी थोड़ी कम हो चुकी है, अब हल्के हल्के से हवाए नजर आ रहे होंगे आपको, पर मतलब आज का तो दिन बन गया, मेरा तो दिन बन गया, खुश होगी मैं तो आज। यहाँ तक आप लोगों को ली ही नहीं कटी है भाई साहब, वो भी पीछे जो थार गई ना उसने काटी थी, ऐसी ली है ना। हाँ वो यहीं तक। हाँ चांशल पधारने पर ग्राम पंचायत शिला देश आपका स्वागत करती ऐसा कुछ लिखा था, पता नहीं मैंने आधा ही पढ़ा, चांशल पधारने पर ही पढ़ा मैंने। तो हम उस एरिया तक पहुंच गए जहाँ से एक्चुअल में चांशल वाले डस्टबिन शुरू हो जाते हैं चांशल वाले डस्टबिन। चांशल में यहाँ डस्टबिन लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है, तो वो शुरू हो चुके हैं, पहले डस्टबिन हमें यहाँ मिल गए हैं। अब जिनको जो चांशल आए हुए हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं आए हैं वो तो फिर आ जाए तब पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर चांशल आपको एरिया नजर आ रहा है पूरा। साहब मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ यार, सफेद ही है सारा। भाई सच में रोड कहाँ है? इस टाइम तो पता भी नहीं चल रहा रोड कहाँ, जैसे ये इधर इधर को बस थोड़ी नहीं जनकर तरीके से। देवियों और सज्जनों, वी मेड इट टू चांशल, हम लोग चांशल पहुंच गए हैं। बोलते से रही हूँ जैसे बड़ी फतह प्राप्त कर ली मैंने। चलो स्कॉर्पियो ने साथ दिया, बाकी फुल रिव्यू ना आपने देखना होगा तो मेरे हस्बैंड के चैनल पे, इनका चैनल आप लोगों को पता है, जिनको पता नहीं है रोहित बांशा के नाम से, तो वहाँ इन्होंने पूरा स्कॉर्पियो का रिव्यू वहाँ पे दिया है कि कैसा एक्सपीरियंस हमारा रहा स्नो में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मतलब जो लड़के हैं ना, लड़के लड़कियाँ जिनको इंटरेस्ट है कार्स में, मोस्ट प्रोबेबली लड़कों को ज़्यादा होता है, लड़कियों को कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि मेरे को नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद कम ही होता होगा। तो आप लोग जाके इनके वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर ये गाड़ियों के बारे में बताते रहते हैं, चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। आगे पूरा काला हुआ पड़ा है। ओह माय गॉड, इधर देखो इधर पूरे, आप गाड़ी चलाओ मैं देख लूंगी सब कुछ। अब थोड़ा ना डर भी लग रहा है डरना जरूरी है भाई obviously, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है ना, आप कभी ना कहीं गलती कर रहे हैं। लास्ट मोड, सच बोलो? हाँ फिर चांशल। हाँ और ये है लास्ट मोड है ये। धरती माता करे पुकार, आसपास का करो सुधार। ओह माय गॉड, वी आर देयर नाउ, वी हैव रीच्ड टॉप ऑफ। देखिए यहाँ पे कूड़ा दान बना हुआ है, तो कूड़ा इसी में डालें। वीडियो बनाने के लिए भेज रहे हैं बट मुझे ना ढंग से रास्ता भी नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं इधर सब वाइट है और कितनी डूबी हुई हूँ मैं। शेड्स लानी चाहिए थी, गलती कर दी भाई। कहाँ है रोड भाई? कुछ नहीं दिख रहा है। भाई साहब यहाँ आप बता ही नहीं सकते कि रोड कहाँ है। सुनो आई गेस यही मोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मेरी स्किन नहीं ले सकता भाई। क्यों? ओ भाई सुनो, गाड़ी ना बंद हो जाए यार, मैं ये बोल रही हूँ। ली बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं ये, मैं भी चलती हूँ जरा। तो हालत ख़राब हो गए, देख सकते हो आप गाड़ी यहाँ पे, और व्यू देख सकते हो यहाँ से, और ऐसी हवाएं चल रही है ना यहाँ पे, मतलब कान बिल्कुल कैसे कट जैसे। तो हम अब हम लोग हर कुछ बोला जा रहा है, मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा यार। मैं पता है क्या, मैं बोला अब चलते हैं, ड्राइव करो चलो। आप हम लोग मतलब
वापस निकल गए अब यहाँ से। फोन पे बैटरी थी 42% ड्रॉप करके सीधी 10% पे आ गई है क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी है। गाड़ी फंस गई है थोड़ी बहुत बर्फ में, हटा दी सिंह के साथ इनोला को अंदर जाए, खुद करता हूँ। भगवान सब जी करते हैं निकल जाए हम। तो मैंने आपको पहले बोला था भारी गाड़ी होने के कारण ये कहीं भी स्लोप में, जहाँ भी स्लोप है ना वहीं फंस जाती है। तो अभी हम पूरे दिन फंस गए इधर। फिर मैंने, शुक्र है मैंने बेल चलाया था, तो मैंने यहाँ से अभी एक मिनट मिट्टी कर दी है यहाँ पे पूरी। जय भोलेनाथ। माइक छूट गया हाथ से, उसने गिरा दिया नीचे। अभी तो पानी चला गया होगा। बर्फ में थोड़ा सा खेलने के बाद मेरे कपड़े हो गए थे गीले, और पता क्या उसमें बर्फ ना पड़ी तो थी, उसमें बर्फ जम गई थी, तो मैंने जुड़की थी साथ लाई। ये गिर गई जुड़की, जुड़की थी मैंने साथ लाई हुई। एक्चुअली मैं गाड़ी में चढ़ते चढ़ते गिर गई थी, बर्फ बहुत है ना तो अब जुड़की पहन ली है, बहुत मस्त लग रहा है अभी तो। बर्फ देखो है, रुक जाओ यार मैं जूते को साफ कर लेती हूँ। साफ कैसे करने, ये भी जम गया इस पे। तो अब जुड़की पहन के थोड़ा आराम मिल रहा है हाथ, हालांकि अभी भी हाँ अभी भी नहीं हुई है। जोर से मार थोड़ी, नहीं हुई यार। अच्छा मेरा यार, अच्छा बात लग चुकी है। मैंने बोला मैं मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए, बोले नीले जो हो गए बिल्कुल। मैं कहा ये नहीं है, तो नॉर्मल है मेरे हाथ ऐसे। तो अब आ गए हैं हम अपने अपने अवतार में, अपने असली अवतार में। एक्चुअली मैं थोड़ी सी फोटोज क्लिक कर रही थी ऐसे, तो भाई ऊपर तो हम बहुत नर्वस हो गए थे। अरे सही में डर लग गया था कसम। आपको एक झलक नीले आसमान की भी दिख जाएगी बीच में। ये थोड़ा हम नीचे नीचे आ रहे हैं ना तो वापस। एक्चुअल में ना जितनी बर्फ अभी यहाँ पे पड़ी हुई है ना, उतनी बर्फ हमारे को टॉप, मतलब टॉप तक पड़ी थी उस टाइम पे, और जब तक हम वापस वहां से निकल रहे तब तक बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अभी आप देख सकते कि ये क्लैरिटी जो लगती है ना बर्फ पड़ने के बाद, जो क्लैरिटी आती है ना आसमान में, वाओ। हाँ पूरा विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाती है, दूर दूर तक दिखता है। पड़ रही है बर्फ के बाद वाली प्यारी सी धूप, तो हिमाचल ना यार जन्नत है, जन्नत लिटरली जन्नत। देखनी आपको जन्नत दोबारा दिखाते हैं एक बार। इस टाइम पे जो व्यू आया है ना, वाओ आई मीन अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। देखो तो हमें घर जाते जाते हो गई है, अंधेरा होने वाला है, शाम हो गई है, शाम क्या रात हो गई है, 6 बज गए हैं, 6 बजने को 4 मिनट शेष। और मैगी लेके गए थे हम साथ में कि कहीं बनाएंगे कुछ, नहीं आज भूख ही उड़ गई यार
सही है ना? सही बात है। भाई मेरे को क्या बंद करना। पहुंच गए हम लोग घर वापस, बट ठंड से बुरे हाल हो चुके हैं। तो आते ही मैंने तो कर दिया यहाँ यार, मैंने तो कर दिया हीटर ऑन। बहुत ठंड है, बहुत ठंड भाई, बहुत ठंड। अब तो जुड़ के ऐसे होने मेरी ड्रेस बनी हुई, रोज पहनूंगी मैं ऐसे करती हूँ घर पे। रोज मैंने जो भी सूट पहना होगा ना अंदर बाहर से जुड़ के, उससे पता क्या है यार, पूरी बॉडी कवर हो जाती है इसकी। यही तो बेनिफिट है। ये हमारे यहाँ छुआरा जो बेल्ट है वहाँ पहनी जाती है, रोडों में पहनी जाती है। तो ये देखो, अब तो खैर इस पट्टी के लोग ऐसे जैसे ओवर कोट्स होते हैं ना वो भी बनाते हैं, बट जो इसमें मजा है वो नहीं है किसी चीज़ में। और ये वाली जो जुड़की है ये मेरी नहीं है, ये मेरी मदर इन लॉ की है। जो मेरी वाली है वो दूसरी है, वो थोड़ी सी ब्राउन है, ये थोड़ी ग्रे है, वो ब्राउन ज़्यादा है। मम्मा ने बनाई है हमारे लिए चाय कि तुम ठंड के आए हो, और हमारे पहुंचते ही हम रोडों में भी बरसात ले आए, बारिश होने लग गई है। अब हम चाहते कि सुबह को यहाँ भी बर्फ पड़ जाए। नहीं चाहते आप? चाहता हूँ मगर वो किसी ने नहीं बोला आपको इतने बर्फ में बहुत डरा। नहीं नहीं, ये नहीं की गलती है, ये ऊपर ऊपर ही जाई जा रही थी। मैं इनको बोल रही थी बस दो ही जना में यार, मैंने ये भी बोला था इनको कि इनको भी ले चलते, उनको ले चलते, उनको ले चलते। कैंसिल गया ट्यूबलाइट, सनी ने मना की, काम था सनी को भी, विनोद को भी काम था, रोहित भैया मोटे को भी काम था, फिर जस भैया को बोल रही थी उन्हीं को ले चलते। वो तो आ ही रहा था पर ऊपर ही मिला। तो चलो मतलब मजा आया, बट वही है कि संभल के रहना ज्यादा बेटर है। मैं तो लिटरली मैंने इनको बोल दिया था पहले, मेरे को तो डर लगता है वैसे। कभी भी ऐसे जाओ ना, मतलब ज्यादा लोगों के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, मतलब अकेले मत जाया करो कभी। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, अरे जाने को जा सकते हैं आप, उतने रीजन तक जाना ना जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे मेरे को लग रहा था जहां तक मैंने इनको बोल दिया था मोड़ देते हैं, यहाँ से मोड़ दो इतने बहुत है, पर नहीं बंदे को जाना तो ऊपर देखने के लालच था, आया लालच, उसके बाद रास्ता भी नहीं नजर आ रहा था। तो चलो फिर व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और हम भी थोड़े से हीटर के पास बैठ के अपने आप को थोड़ा सा गर्म करते, पूरे ठंड के आए हुए हम लोग। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं।